ऑनलाइन रेसिपी सीखने के लिए हमारे चैनल फूड्सफाई को सब्सक्राइब जरूर करें, इस बेल को दबाइए ताकि आपको नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्ते दोस्तों, फूड्सफाई में आपका स्वागत है। आज हम बंगाली स्वीट बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए देखते हैं। ये हमने लिया है 1 लीटर गाय का दूध, 2 कप चीनी, इलायची पाउडर, पिस्ता के टुकड़े, 1 नींबू का रस। तो चलिए बनाते हैं रसगुल्ला। सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। दूध को लगातार हिलाते रहिए। गैस को हमने मीडियम कर दिया है। दूध अच्छे से उबल रहा है। अब दूध के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर यूज कर सकते हो। दूध पूरी तरह से फट जाए तब हम गैस को बंद करेंगे। देखिए दूध फट चुका है, अब हम गैस को बंद करेंगे। अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इसका सारा पानी हमें निकाल देना है, इसमें कोई भी पानी का अंश नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से प्रेस करके इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से छेने में से हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब छेने को मुलायम होने तक हाथ से अच्छे से मस लेंगे। इस तरह से छेना मुलायम और हल्का होना चाहिए। तो इस तरह से छेना मुलायम और हल्का हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हम इतने साइज के बॉल्स बना रहे हैं क्योंकि ये डबल हो जाएंगे बाद में। तो इस तरह से हमने छेना के बॉल्स बना दिए हैं। अब इसे हम साइड पर रखेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। पैन में डालेंगे 2 कप चीनी। 2 कप चीनी के लिए हम डालेंगे 4 कप पानी। देखिए मैंने इस तरह का कप यूज किया है। गैस को हमने हाई कर दिया है। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। करीब 10 मिनट के लिए हमने चीनी को अच्छे से बॉईल कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम छेने के बॉल्स डालेंगे जिसे हमने बनाया है। अब इसे अच्छे से बंद करेंगे। रसगुल्ला को हम पकाएंगे करीब 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। बीस मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल देंगे। तो इस तरह से टेस्टी रसगुल्ला तैयार है। हम इसे बाउल में निकालेंगे। तो इस तरह से रसगुल्ला देखिए अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। रसगुल्लों को हमने अच्छे से प्लेट में निकाल दिया है। अब रसगुल्लों को हम गार्निश करेंगे। मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर इस्तेमाल किया है। इस फूड कलर में हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बनाया है। अब इस घोल को डालेंगे रसगुल्ला के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता के टुकड़े। इस तरह से टेस्टी रसगुल्ला तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें।
अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।